नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एमेसिएशन यानी कि कासरीय रोग के साइंस सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पुरुष के नितंब, उदर प्रदेश एवं ग्रीवा यानी कि गर्दन अत्यंत शुष्क हो जाते हैं तथा शरीर में धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है, इस प्रकार से उत्पन्न रोग को हम कासरीय रोग कहा जाता है यानी कि एमेसिएशन कहते हैं। यदि मनुष्य शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा एवं जीवनीय तत्व शरीर को नहीं मिल पाते तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसके शरीर में क्रस्ता उत्पन्न हो जाती है और वह व्यक्ति अनेक प्रकार की व्याधियों से भी ग्रसित हो जाता है। अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं, यानी कि रुक्ष अन्नपान का सेवन करना, अत्यल्प मात्रा में भोजन करना यानी कि बहुत ही कम मात्रा में भोजन करना, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकने से के कारण हो सकता है, वो देर रात तक जागने के कारण भी हो सकता है, निरंतर लगातार अधिक देर तक व्यायाम करने के कारण, भूख प्यास के जब लगती है उसमें उस भूख प्यास को रोक लिया जाए, उसमें समय पर भोजन नहीं करने से भी जो है कासरीय रोग उत्पन्न हो जाता है, और अति अध्ययन यानी कि ज़्यादा मात्रा में अध्ययन करने से भी होता है, क्रोध करने से, शोक ग्रस्त रहने से, धन इत्यादि की चिंता करने से, भय के ग्रस्त होने से, इन सब कारणों से रस धातु की उत्पत्ति कम मात्रा में होती है जिससे संपूर्ण धातुओं को पोषण नहीं मिल पाता है और परिणाम स्वरूप वह पुरुष कृश यानी पतला होता चला जाता है और इस रोग को हम एमेसिएशन यानी कि कासरीय रोग कहते हैं। इसके अन्य कारणों में कई व्याधियों के कारण भी व्यक्तियों को कासरीय रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, एडिशन डिजीज के कारण, कैंसर के कारण, क्रोनिक डायरिया के कारण भी हो सकता है और मैरास्मस डिजीज के कारण भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशंस के कारण भी हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण भी हो सकता है और एड्स के कारण भी कासरीय रोग उत्पन्न हो सकता है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं, जैसे कि उदर में शुष्कता, ग्रीवा में शुष्कता, उदर यानी पेट में बहुत ही ज़्यादा शुष्क होता है और गर्दन भी बहुत ही सूखी हुई होती है, नितंब में शुष्कता, सर्व शरीर में धमनियों का जाल सा दिखाई देता है और हड्डियाँ दिखाई देती हैं, व्यायाम, परिश्रम और आहार ग्रहण आदि के प्रति अनिच्छा होना यानी कि जो भी कासरीय से ग्रस्त होते हैं उनको व्यायाम करने की भी इच्छा नहीं होती, न ही कोई परिश्रम करने की इच्छा होती है और न ही वह खाने में रुचि दिखाते हैं यानी कि खाने के प्रति भी उनकी अनिच्छा होती है, उनको आलस्य रहता है, शरीर में थकान महसूस होती है, कमजोरी होती है, उष्णता और शीतता को सहन करने की भी शक्ति उनमें नहीं होती है, वात रोग से वह ग्रसित होते हैं और कुछ व्याधियों के लक्षण के स्वरूप में भी कासरीय रोग की उत्पत्ति होती है, जैसे कि पाइल्स के कारण, कफ, ट्यूमर्स, डायस्पनिया और स्पिनलोमैगले, इन सब के लक्षण भी कासरीय रोग में उत्पन्न होते हैं। अब हम कासरीय रोग की चिकित्सा सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा, यम, नियम, प्राणायाम, आसन इत्यादि के नियमित प्रयोग से व्यक्ति शिथिल चित्त वाला हो जाता है और यह निश्चित पर्वत सत्व युक्त एवं सत्व अग्नि बल युक्त यानी कि सम्यक अग्नि बल युक्त हो जाता है और जिसके फलस्वरूप ग्रहण किया गया आहार शरीर में अच्छी प्रकार से सातम्य होकर बल और आयु की वृद्धि होती है। कासरीय रोग से ग्रस्त व्यक्ति को प्राणायाम में जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, आसनों में शवासन, वज्रासन, सुखासन और करना चाहिए और योग साधना भी करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में ताजे फलों का रस और समुचित पोषण करने वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए और जिससे कि समक धातु का पोषण होकर कासरीय रोग का शमन हो सके।
अब हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। स्थावरी चूर्ण 2 ग्राम, परवाल पंचामृत 250 ग्राम, दोनों को मिलाकर सुबह शाम शहद के साथ या दुग्ध के साथ सेवन करना चाहिए। युवानी साडा चूर्ण 3 ग्राम, चित्रकारी वड्डी 500 mg, इनको दोनों को मिलाकर पोषण मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद प्रयोग करना चाहिए। भोजन के बाद में द्राक्षारेस्ट बलारेस्ट दोनों को 20-20 ml की मात्रा में समान मात्रा में पानी मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। च्यवनप्राश अवलेह 20 ग्राम की मात्रा, रसायन 20 ग्राम की मात्रा और च्यवनप्राश अवलेह 20 ग्राम की मात्रा दुग्ध से सुबह शाम सेवन करना चाहिए। सर्वांग शरीर में यानी कि पूरे के पूरे शरीर में चंदन आदि तेल की नियमित रूप से मालिश करनी चाहिए और पथ्य का भी पालन करना चाहिए। कासरे रोग से ग्रसित व्यक्ति को आहार में नया अन्न यानी कि नया नवनिर्मित मद दही दुग्ध और घृते इक्षु शाली चावल गेहूं गुड़ और गुड़ से निर्मित पदार्थ स्निग्ध मधुर द्रव्य रसायन और वाजिकरण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। उनको आहार में कटु तिक्त कसाय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। चना मसूर सावा कोदो इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना चाहिए और उपवास भी नहीं करना चाहिए और अति परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।